कुंदन भाई हैं, आज हाथ मिलाए हम लोग। आइए हाथ मिलाइए पहले। और ये हाथ जो मिला है ये कभी भी नहीं टूटेगा, ये शपथ है हमारा, हम नहीं तोड़ेंगे। शपथ लिए हैं और इतना भरी सभा में बड़े यहाँ पे दर्जनों की संख्या में छात्र मौजूद हैं और दोनों पक्ष के मौजूद हैं, तो मैं इस भारत माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कभी नहीं तो ऐसे बदला था और न बदलूंगा। अगर बदलूंगा तो आप लोग का जूता अब मेरा सर रहेगा। बहुत वक्त बदल चुका है, समय बदल चुका है, परिस्थिति बदल चुका है और यहाँ तक कि सरकार भी बदल चुकी है। अब बदले हुए परिवेश में जब रिक्ति बढ़ करके लगभग 1.25 लाख हो चुका है, 1.25 लाख रिक्ति हो चुका है, सरकार ये भेदभाव करके और टाल मटोल कर रही है, नियमावली भी लगभग बन ही चुकी है, सब कुछ डन है, अब केवल एक बार ताकत लगा के हथौड़ा मार देना है और आर पार की लड़ाई लड़के और जंग को जीत लेना है, बस हमारा यही उद्देश्य है। नमस्कार, NBC 24 मीडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। लगातार STT के तमाम अभ्यर्थियों का मुद्दा हम उठाते हैं, कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है, 3 साल से तमाम अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं। एक बार तस्वीर दिखा देना चाहेंगे, ये तमाम STT के अभ्यर्थी हैं। तस्वीर देखने के बाद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि दोनों अभ्यर्थी एक साथ कैसे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमेशा ये अभ्यर्थी खुद में लड़ते रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज एक साथ हैं। हमारे साथ पहले बात करने के लिए अनिल है, अनिल से स्टार्ट करेंगे। अनिल, हमेशा नोट मेरिट मेरिट आप लोग करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब साथ में हैं। सबसे पहले महोदय, आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आज इतना महत्वपूर्ण समय निकाल करके हम लोगों का मुद्दा उठाने आया। बहुत वक्त बदल चुका है, समय बदल चुका है, परिस्थिति बदल चुका है और यहाँ तक कि सरकार भी बदल चुकी है। अब बदले हुए परिवेश में जब रिक्ति बढ़ करके लगभग 1.25 लाख हो चुका है, 1.25 लाख रिक्ति हो चुका है, सरकार ये भेदभाव करके और टाल मटोल कर रही है, नियमावली भी लगभग बन ही चुकी है, सब कुछ डन है, अब केवल एक बार ताकत लगा के हथौड़ा मार देना है और आर पार की लड़ाई लड़के और जंग को जीत लेना है, बस हमारा यही उद्देश्य है। हमारा 2 मांग है महोदय, हम लोग 2 एजेंडे पर यहाँ पे सभी साथी हम लोग यहाँ पर मिले हैं, चाहे मेरिट चाहे नॉट मेरिट के। कुंदन भाई हैं, आज हाथ मिलाए हम लोग। आइए हाथ मिलाइए पहले। और ये हाथ जो मिला है ये कभी भी नहीं टूटेगा, ये शपथ है हमारा, हम नहीं तोड़ेंगे। कुंदन भाई तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे, मैं नहीं तोड़ूंगा। कुंदन भाई भी नहीं, आप बोलिए कि नहीं तोड़ेंगे। जब एक लाइन, जब आप इस शपथ को नहीं तोड़ेंगे, शपथ लिए हैं और इतना भरी सभा में बड़े यहाँ पे दर्जनों की संख्या में छात्र मौजूद हैं और दोनों पक्ष के मौजूद हैं, तो मैं इस भारत माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कभी नहीं तो ऐसे बदला था और न बदलूंगा। अगर बदलूंगा तो आप लोग का जूता अब मेरा सर रहेगा। जो भी बदलेगा, मेरिट नॉट मेरिट करेगा, एकेडमिक मार्क्स करेगा, तो उस तो जनता और अभ्यर्थी का जूता रहेगा और हम लोग का सर रहेगा। भारत माँ की सौगंध खा के कहता हूँ कि हम लोग, यही सवाल रहेगा। 30,000 कुछ अभ्यर्थियों की बहाली की मांग कर रहे थे आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हाथ में जो पोस्टर उसमें 80,402 की बात कर रहे हैं। अब शेख भाई, स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूँ कि पहले मैं 30,675 की बात तब करता था जब रिक्ति 30,675 था, लेकिन अब रिक्ति 1.25 लाख के लगभग हो गया है, तो 30,675 की बात क्यों किया जाए जबकि सरकार हम लोगों को विभेद पैदा करके लड़ाना चाहती है और बहाली को और फंसाना चाहती है। हम नहीं चाहते किसी की शादी रुकी हुई है, किसी को एक एक पैसे के लिए कोई मोहताज है, तो हमें इस वक्त का तकाजा को समझते हुए हम लोगों को अविलंब बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करना है। ये मेरा पहला मांग। और दूसरा मांग हमारा ये है कि सरकार संपूर्ण बहाली का प्रावधान करे, सबकी बहाली सुनिश्चित करे, बस हम यही चाहते हैं और इसी विचार के साथ यहाँ मिले हैं। और जो भी इस विचार से पीछे हटेगा वो चरित्रहीनता का एक पर्याय होगा। एक सवाल और रहेगा, जिस तरीके से आप लोग एक दूसरे को कहते थे बैकडोरवा, कोई कहता था आप लोगों को फिलहाल इस टाइप का भाषा वर्ड यूज किया जाता था, वो ऐसा कहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक साथ हैं। नहीं नहीं नहीं, वो एक वक्त और परिस्थिति, मैंने बोला ना कि परिस्थिति वो अलग थी, आज परिस्थिति अलग है। उस समय परिस्थिति 30,675 की थी, आज परिस्थिति 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली की है, तो वक्त परिस्थिति बदला है, तो आदमी की मानसिकता बदली, पहली बात। दूसरी बात एक और याद करा दूं, अगर हम लोग बहाली अगले 6 महीना तक नहीं हुई हम लोगों की, तो टोटल के टोटल मिडिल स्कूल के शिक्षक जो BEd किए हुए हैं उनको हाई स्कूल में अपग्रेड किया जा रहा है। संजीव भाई है हमारे, इनकी मैडम मिडिल स्कूल की टीचर,
अपग्रेड करके हाई स्कूल में चले जाएंगे, इसके लिए खुशखबरी है इनके लिए। अनिल जी, कुछ अभ्यर्थी आपका विरोध कर रहे हैं? कोई विरोध नहीं करेगा, कौन विरोध करेगा? इसके साथी जो है, सबकी बहाली हो, सबकी बहाली सुनिश्चित हो, और साथ में जल्द से जल्द सातवां चरण प्रारंभ, इसके लिए कौन तैयार नहीं होगा? एक भी अगर बहाली नहीं हुआ 80,000 में। अनिल जी, कहीं ना कहीं एक साथ आने के बाद अभ्यर्थी जो हैं वो मेरे पास भी फोन कर रहे हैं, ऐसे कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो विरोध कर रहे हैं आपका? कोई विरोध नहीं करेगा इस विचार पर, जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया प्रारंभ हो और सभी 80,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करे सरकार। अगर एक भी बहाली नहीं हुई तो सीधे आत्मदाह होगा, पटना की सड़कों पर सामूहिक आत्मदाह करेंगे और मैं करूंगा आत्मदाह सचिवालय के आगे। सेल्फोस के गोली खा के मर जाना कबूल करेंगे, वापस नहीं आएंगे हम लोग, अगले एक से दो दिन में तय कर लेंगे। ओम प्रकाश जी, एक साथ आने की बात करते थे, एक साथ आ गए हैं, क्या कहिएगा? बिल्कुल ये बात सही है कि हमारा प्रयास रहा था शुरू से ही कि आप कि मेरिट नॉट मेरिट नहीं करना है, क्योंकि वक्त के तकाजा को देखते हुए संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली और हम सभी विद्यार्थियों का जितना भी एसटीटी में ऑल क्वालिफाइड है सबकी नियुक्ति सरकार पक्की करे, क्योंकि सरकार ने गलती किया तो उसका हर्जाना हम नहीं भुगतेंगे। और एक और बात कह देना चाहता है कि ये आगाज है और मैं इस लाइव के माध्यम से आपके वीडियो के माध्यम से सारे स्टेट ऑल क्वालिफाइड के जितने भी मेरे साथी है हम लोगों से जुड़े और एक जन आंदोलन करने जा रहे हैं पटना के सड़कों पर अनिल और कुंदन जी के नेतृत्व में। जब ये दो शक्ति एक साथ आ गई है तो हम लोग बहाली को लेके रहेंगे, चाहे सरकार को इसके लिए जो करना होगा हम हर तरीका से कमर कसने को तैयार हैं। देखिए, महिला अभ्यर्थी भी हैं एसटीटी क्वालिफाइड की, आप भी पहुंची हैं एक साथ, अब आप लोग आ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि हमारे एस्टेट जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं सब लोग एक मंच पे एक साथ आए, अगर एक साथ आएंगे तो बहाली जल्द से जल्द खुल जाएगी। और ये आज नहीं, पहले से भी हम लोग कहते आ रहे हैं कि सारे एक साथ मिल जाइए तभी सरकार झुकेगी, वरना सरकार नहीं झुकेगी। कहीं ना कहीं सरकार आप लोगों को लड़वा रही थी। जी बिल्कुल लड़वा रही थी, लेकिन बच्चे भी लड़ रहे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सारे जितने भी ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं सब हम लोग एक साथ हैं, एक मंच पे हैं, अब सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मैं लास्ट जो है सबसे अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि कोई भी अभ्यर्थी घबराए नहीं और कोई भी अभ्यर्थी शंका और संदेह ना रखें। हम लोग 12 मार्च के अकॉर्डिंग जितने अभ्यर्थी पास किए हैं 80,000 देख पा रहे होंगे, 80,402 की लड़ाई हम लोग शुरू में लड़े हैं, इसके लिए एक भी अभ्यर्थी नहीं बचे। हम लोग अपनी जान की बाजी लगा देंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे, इसके लिए हमें जान की भी बाजी लगाना पड़ेगा, इसके लिए रत्ती भर भी परवाह नहीं करेंगे। और सचिवालय में हम लोग अगर ताला जड़ना पड़ेगा ताला जड़ेंगे, सचिवालय घेरना पड़ेगा सचिवालय घेरेंगे, और हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, अंतिम हद तक जाएंगे, मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन 80,402 की हम लोग एक साथ आ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? नहीं, एक साथ तो हम लोग थे ही, पहले से भी थे, पहले तो नहीं थे, नहीं थे, दिल तो एक साथ था, लेकिन जो है सरकार की मनसा थी कि आपस में लोग तू मैं कर ले, कहीं ना कहीं एक दूसरे का विरोध करते थे। नहीं, विरोध तो होता है, विरोध तो है, तो लोकतंत्र है तो विरोध तो होगा ही, लेकिन हम लोग साथ थे, दिल साथ था, लेकिन कुछ देर के लिए जो है लोग अलग हो गए, लेकिन अभी भी हम लोग साथ हैं और आने वाले समय में भी साथ होंगे और एक साथ सबका ज्वाइनिंग होगा। यही मांग करते हैं सरकार से, सरकार की साफ मानसिकता अब होगी, क्यों? क्योंकि जो है अब सरकार बदलने जा रही है ऐसा मालूम चल रहा है, तो सरकार बदलेगी तो तेजस्वी यादव ने हम लोग को बोला था कि जो है आप लोग की बहाली करेंगे, और मीसा भारती बोली थी कि आप लोग के मूल वेतन पर बहाली करेंगे। उम्मीद है, उम्मीद पूरा उम्मीद है, वो दुख दर्द जानते हैं छात्रों का, इसलिए पूरा उम्मीद रखते हैं मीसा भारती जी से भी और तेजस्वी यादव से भी कि हम लोग की बहाली करें और मूल वेतन पर बहाली करें, जो पहले पुराने शिक्षक थे वो बहाली हम लोग को चाहते हैं। नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम राजीव है, मैं कैमूर से हूँ सर। जी जी सर, देखिए हम सबसे पहला आपका सवाल था कि आप लोग आज एक साथ हैं और पहले नहीं थे। सर मैं बता दूं कि शिक्षा और शिक्षकों की समुचित विकास की जो अवधारणा है, जो इसी पे देश विकसित होता है, दुनिया विकसित होता है, सरकार ने समुचित विकास की अवधारणा को तोड़ दिया था, जैसे मेरिट नॉट मेरिट सरकार ने पैदा किया था, तो अब जो ये सीट बढ़ के 70,000 हुई है ये तो एक अच्छी पहल सरकार की तरफ से या 1,25,000 हुई है। और लेकिन अब शिक्षा विभाग जो भी नियम और नियमावली लाए
ये ला रहा है। तो हमारा मांग है कि जब सीट बढ़ गया है तो हम लोग सभी एक साथ होकर के सबकी बहाली की मांग करें। ये समुचित विकास की अवधारणा है, हम लोग अपनाए हैं। और शिक्षा विभाग और सरकार अगर इस अवधारणा के साथ नहीं चलती है तो हम लोग लड़ेंगे। कारण क्या है, नहीं चलने का डाउट क्या है कि जो भी नियम और नियमावली है हम लोग साथ होकर के उसकी मांग करेंगे और उसके लिए लड़ेंगे। सीट दिख रहा है लेकिन उस नियम के तहत सभी लड़के आ जाएं और सबकी बहाली हो जाए। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी सरकार थी, अब तेजस्वी यादव के साथ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे शामिल। क्या लगता है, मुख्यमंत्री या फिर तेजस्वी यादव आप लोगों को नौकरी? जी सर, हम लोग को सर आशा तो यही है कि सर जी हम लोग 80,402 जितने भी ऑल क्वालिफाइड है जिस 12 मार्च के अकॉर्डिंग सर सभी को सर ज्वाइनिंग दे, सर नियुक्ति दे सर, और सभी हम लोग को सर अंदर अपने दोस्तों में भी कोई मतभेद नहीं होने चाहिए सर जी, सभी को मिल के सपोर्ट करना चाहिए सर जी, ताकि सर सभी को क्वालिफाइड हो नियुक्ति हो जल्द से जल्द। और विज्ञापन की मांग होनी चाहिए सर, जितनी जल्दी सर हम लोग को रोड मैप बनाना होगा सर, कि मतलब कि विज्ञापन जल्द से जल्द निकल जाए सर। मेरा नाम लल्लू कुमार हुआ, हम भी देख रहे हैं तमाम। हाँ, पहले से भी साथ है, आज भी साथ हैं। हम चाहते हैं सरकार से जल्द जल्द नोटिफिकेशन निकाले और 80,402 को बहाली का प्रावधान करे। देखिए, तमाम ये एसटीटी के अभ्यर्थी हैं, क्या कुछ कहना आपने सुनाया। देखिए, जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ कहना है कि अब 80,402 तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो बहाली की मांग करेंगे। वहीं इनका साफ कहना है कि हम एक साथ हैं, मेरिट नॉट मेरिट अब कोई नहीं करेगा और आने वाले दिनों में तमाम अभ्यर्थियों की बहाली की हम मांग करेंगे। वहीं जिस तरीके से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने वादा किया था कि आपकी नियुक्ति पक्की, तो कहीं ना कहीं जो है वो नियुक्ति जो है वो पक्की करनी होगी। वहीं अभ्यर्थी देख सकते किस तरीके से ये अभ्यर्थी और काफी खुश और एक साथ दिख रहे हैं, स्टेट मेरिट नॉट मेरिट। अनिल को भी आपने देखा है और कुंदन को भी देखा है और तमाम अभ्यर्थी जो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं तमाम अभ्यर्थियों को आपने सुनाया क्या कुछ कहना था। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे NBC 24 मीडिया के साथ। हिमाचल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।